हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सेवन मिनट सीरीज ऑफ एटोमिया क्लासेस आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल टॉपिक है हम लोगों के लिए एक्चुअली इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं ना कि लेंदीनेस जो होता है क्वेश्चन का वो कम हो जाएगा हमारी इक्वेशंस कम हो जाती है ठीक तो आइए हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉफॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल ठीक न्यूटन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास इनटू एक्सेलेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस अप टू मास इनटू एक्सेलेशन ऑफ एंथ पार्टिकल यानी कि यदि कोई सिस्टम है हमारे पास है ना जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या लेटर्स सपोज कि तीन पार्टिकल्स हैं पार्टिकल वन पार्टिकल टू एंड पार्टिकल थ्री हैविंग एक्सेलरेशन ए वन ए टू एंड ए थ्री ठीक

थ्रू स्ट्रिंग्स एंड पुलिस ये दोनों आपस में कनेक्टेड है एक वॉल से ठीक इसमें कैपिटल एम जो वेज है उसका एक्सेलरेशन लेट से ए है और जो स्मॉल एम ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन लेट से बी है यानी कि ए इज ए इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज है ना और बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू With respect to wedge. ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने? वेज यानी कि कोई ऑब्जर्वर है जो इस मूविंग फ्रेम वेज पे बैठा हुआ है और वो इस एम को देख रहा है कि एम किस तरफ जा रहा है तो उसके लिए तो एम इस डायरेक्शन में जाएगा और उसी की वैल्यू को मैंने बी को कंसिडर किया है एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक ठीक अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सिस्टम तो कैसा सिस्टम है पहले तो ये समझते हैं कि अब हम लोगों को इस पूरे ऑब्जेक्ट्स में से हमें अपना सिस्टम चूज करना पड़ेगा तो हम अपना सिस्टम देखिए कैसे चूज करेंगे कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें जो पैरामीटर्स हम लोग फाइंड करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सेलेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्सेलेशन ऑफ दिस ब्लॉक ये इंक्लूडेड है मान लो इनके ऊपर कोई फोर्स फाइंड करना है हमें तो हमारा सिस्टम ऐसा हो जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स में हम लोगों को इंटरेस्ट है जिसके पैरामीटर फाइंड करने में वो पैरामीटर्स उसमें इंक्लूडेड है है ना अच्छा क्या एक्सक्लूडेड है जैसे कि ये वॉल है इस वॉल पे हमें कोई फोर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है ये हमारा अर्थ है इस पर भी फोर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है तो ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए ठीक तो अब देखिए हम सिस्टम पे अपनी इक्वेशन लिखते हैं क्या एफ नेट इज इक्वल टू मास इन टू कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो हमें एफ बी डी मालूम होना चाहिए तो देखिए सिस्टम के लिए मैं एफ बी डी लिखता हूं सिस्टम के लिए नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ड्यू टू अर्थ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा हमारे सिस्टम पे ये हमारा सिस्टम है ठीक और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम प्लस एम जी ठीक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए एक तो ये टेंशन है और एक ये टेंशन है यानी कि दो टेंशन टू टी लग रहा है इस डायरेक्शन में राइट वर्ड साइड में ठीक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखता हूं फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम के लिए कि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है टू टी है सिर्फ यही तो फोर्स है यार और तो कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये प्रोवाइडेड है कि एन का क्वेश्चन है अभी फ्रिक्शन इंक्लूडेड नहीं है ठीक तो टू टी इज इक्वल टू क्या कहा हमने मास इन टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज प्लस मास इन टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा तो इसको समझ लेते हैं हम लोग देखिए ए एक्सेलरेशन से अगर वेज जा रहा है तो इस ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक भी आगे तो जाएगा ही बट क्योंकि नीचे भी जा रहा था तो इसका कुछ कॉम्पोनेंट इस तरफ भी आएगा कितना बी थीटा और ये कॉम्पोनेंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज यानी कि नेट इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी थीटा है ना ये कैसे आया है ये रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करके आया कि नेट एक्सेलेशन इसका कितना होगा ए माइनस बी थीटा ठीक ये तो एक इक्वेशन हो गई अब देखिए वेरिएबल कितने हैं टेंशन एक्सेलेशन ए एंड बी यानी कि तीन इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल भी फाइंड करने पड़ेंगे आइए एक और इक्वेशन लिखते हैं हम लोग इस ब्लॉक के लिए एम के लिए तो देखिए ब्लॉक के लिए टूवर्ड्स द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन हम लोग सारे फोर्सेज लिखे हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं एक तो ये टी लग रहा है दिख रहा है ठीक इस तरफ क्या लगेगा एम जी साइन थीटा है ना इधर नॉर्मल रिएक्शन इधर एम जी कॉज थीटा लगेगा अच्छा अब ये हम क्या करते हैं कि इस वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देते हैं ताकि इसका एक्सेलेशन डायरेक्टली इस डायरेक्शन में आ जाए तो क्या लिखेंगे यानी कि एक और फोर्स सुडो फोर्स मास इस ब्लॉक का और एक्सेलेशन इस फ्रेम का ये भी लगेगा यानी कि देखिए इस डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखता हूं इस ब्लॉक के लिए क्या लिखूंगा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस्थीटा है ना माइनस टेंशन माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है ना यानी कि ऑफ द ब्लॉक ये दो इक्वेशन होगी लेकिन एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो इक्वेशन कैसे बनेगी यार तो वो कंस्टेंट इक्वेशन बनेगी जो स्ट्रिंग से ये लोग कनेक्टेड है क्या इक्वेशन होगी देखिए लेटर सपोज की यह जो ब्लॉक है वो एक्स डिस्टेंस आगे जाता है तो ये एक्स डिस्टेंस आगे गया तो यहां से एक्स डिस्टेंस ये पॉइंट यहां चला गया और सेम ये पुली भी आगे चली जाएगी तो यानी कि यहां से एक्स और यहां से एक्स रस्सी कितना लूज हो जाएगी एक्स लूज हो जाएगी यानी कि अब इसको ये रस्सी सिलेक्ट ना हो इसकी वजह से टू एक्स इधर जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा ना यार नहीं तो रस्सी स्लैक हो जाएगी रस्सी स्लैक हो जाएगी तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा ठीक तो स्लैक नहीं होने के लिए हमने कहा ये एक्स गया ये एक्स गया तो टू एक्स इसको इधर आना पड़ा यानी कि अगर इसका एक्सेलेशन ए है तो इसका एक्सेलेशन क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा यानी कि बी इज इक्वल टू टू ये तीन इक्वेशन है ठीक इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हो जाएगा तो ठीक इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे देखिए ए की क्या वैल्यू आएगी ए विल बी इक्वल टू एमजी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस है ना क्या लिखेंगे एम इन टू फाइव माइनस फोर कॉस थीटा देखिए ये हमने सॉल्व कर दिया दोनों इक्वेशन सिंपल दो इक्वेशन बन गई दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हमारा एक्सेलेशन आ गया अगर हम न्यूटन फॉर सिस्टम नहीं लगाते तो देखिए क्या होता इसके लिए फिर हमें अलग से लिखना पड़ता है ना कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में फिर और इक्वेशंस बनेगी और लेंदी हो जाएगा तो होप कि आपको यह तरीका समझ में आया हो देखिए स्क्रीन पे कुछ और क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए है ना और खुद से प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू